नई 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 बातें, ये बातें हैं पुरानी। हो कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। थामा हरों का इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। हो कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। ये जो आप आवाज़ सुन रहे थे, ये रितिका मेहरा की है और ये काफ़ी समय से सिंगिंग प्रोफेशन के साथ जुड़े हैं। कई रियलिटी शो में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी इन्होंने परफॉर्म किया है और अपनी आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास किया है। रितिका, आपके सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मेरे यंग बाइट्स में। थैंक यू। रितिका, मुझे बताओ, सिंगिंग कितना समय हो गया आपको सीखते हुए, कितनी देर से आप सिंगिंग कर रहे हो? मेरे को 6 मंथ हो गए हैं सिंगिंग सीखते, और मुझे तो बड़ा ही शौक था सिंगिंग करना और स्पेशली सीखना। जिस चीज़ को हम सीख नहीं सकते, उस चीज़ को हम गा भी नहीं सकते हैं, और मुझे 6 मंथ हो गए हुए। तो पहला परफॉर्म आपने कहाँ पे किया था? पहला प्लेटफॉर्म मेरा स्कूल में था। स्कूल से ही मैंने सिंगिंग करना स्टार्ट किया और पहला प्लेटफॉर्म भी मेरा स्कूल में ही था। तो उसके बाद आपने किस तरह से अपने सिंगिंग को बढ़ावा देने की कोशिश की? स्कूल से ही मैंने एक टीवी रियलिटी शो पंजाब का जो था, वहाँ पे स्कूल के थ्रू ऑडिशंस दिए और मैं उसमें सेलेक्ट जब हो गई तो मुझे लगा कि मैं गा सकती हूँ बाय प्रोफेशनली। तो मैंने फिर म्यूज़िक सीखा। सीखते सीखते मैं टीवी में भी आई, और जब टीवी में एक बार ऑब्वियसली बच्चा जब आ जाता है तो उसका हौसला खुल जाता है। तो घर पे मुझे जब मुझे पता लगा कि मैं गा सकती हूँ तो घर पे मैंने सुनाया कि मैं गा सकती हूँ, तो मुझे पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया। कौन से गाने को लेकर आप सिलेक्ट हुए थे? कौन कौन से गाने आपने भेजे थे वहाँ पर? ये तो 4 राउंड जम्मू में ही हुए थे हमारे। जब मैंने 4 राउंड क्लियर किए थे, देन सेमीफाइनल हमारा लुधियाना में हुआ था। लुधियाना से फिर मैं ग्रैंड फिनाले में कोई एक सिलेक्शन हुई। फेवरेट सॉन्ग जो आपने सिलेक्ट करके भेजा होगा वहाँ पर? वे तुलोंग वे मेलाची, तेरे पीछे हाँ गवाची। वे तुलोंग वे मेलाची, तेरे पीछे हाँ गवाची। तेरे इश्क के निमारी, कुड़ी कच दी कवारी। तेरे इश्क के निमारी, कुड़ी कच दी कवारी। वे मैं चंबे दे पहाड़ा वाली शाम, वे मुंडिया संदली संदली नैणा विच तेरा नाम। वे मुंडिया संदली संदली नैणा विच तेरा नाम। वे मुंडिया बहुत ही बढ़िया इन्होंने गाया। रितिका, मुझे बताओ, आप रियलिटी शो में भी गए थे, कौन सा वो रियलिटी शो था और कितना आगे आप पहुंचे थे? जो मैं रियलिटी शो में गई थी उसका नाम है KKHD, किसमें कितना है दम, पंजाब का चैनल है। और वहाँ पे मैं ग्रैंड फिनाले पहुँच गई थी और मैं उसको विन करके भी आई हूँ। तो कितना अच्छा आपको लगा वहां पर पहुंच के, और वहां पे आप किन-किन से मिले? वहाँ पे पहुँच के जो भी वहाँ के ऑनर्स वगैरह थे, काफ़ी सपोर्ट। जब उन्होंने पूछा कि हम जम्मू से आए हैं तो उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया कि हम जम्मू के बच्चे भी हम आगे बढ़ सकते हैं। फाइनली पंजाब में पहुँचना एक बहुत बड़ी बात तो होती है। जिन जिन को आप टीवी में देखते थे, रियलिटी में आप किन किन से मिले? रियलिटी में मैं तो अभी जी खान जी से मिलने ही वाली हूँ। जी, तो कितना अच्छा लगता है आपको, जिस तरह से आपने बोला कि जिस तरह से बढ़ावा मिलता है, प्रोत्साहन भी मिलता है हमको, उतने जी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं आगे करने के लिए। तो आगे आपने क्या सोचा है, कहाँ कहाँ पे आपने परफॉर्म करना है या क्या सपना है आपका? पहले तो जम्मू में एक जो नाम मैंने बनाना था वो बन चुका है, क्योंकि मैंने फर्स्ट कवर सॉन्ग नेहा कक्कड़ जी का किया था, क्योंकि मैं उनको ही फॉलो करती हूँ। तो मुझे वो करने से मुझे एक जम्मू में टैग मिल गया रितिका कक्कड़ के नाम से। तो उसी नाम को अब मैंने उनके नेहा कक्कड़ जी के लेवल पे लेके जाना है, क्योंकि उनका नाम मेरे नाम के आगे जुड़ तो चुका है। नेहा कक्कड़ का कौन सा आपका एक फेवरेट सॉन्ग है जिसे आप हमेशा गुनगुनाते हैं? उनका फेवरेट गाना माही वे, वो मैंने काफ़ी जो भी दी इंटरव्यूज दिए हैं मैंने हर बार वो गाया। जी बिल्कुल, गा दीजिए हाँ जितने भी जी। हमारे व्यूअर्स देखते हैं। तुझे चाहा रब से भी ज्यादा, तुझे चाहा रब से भी ज्यादा, फिर भी ना तुझे पा सके। रहे तेरे दिल में मगर, तेरी धड़कन तक ना जा सके। जुड़ के भी टूटी रहे इश्के दी डोर वे, किसको सुनाए जाके टूटे दिल का शोर वे।
माही वे मोहब्बता सचियां ने मंगदा नसीबा कुछ हो रे। बहुत बढ़िया। क्या सोचा आपने सिंगिंग प्रोफेशन को ही आगे लेके बढ़ना, अपना फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं आप? हाँ जी, मैं सिंगिंग को ऑब्वियसली अब इसको स्टार्ट किया है तो इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहती मैं। इसको अपने साथ, जहाँ तक ये चीज़ मेरे साथ भगवान ने दी है तो इसको मैं कंटिन्यूसली रखूँगी। जो आपने जिस सॉन्ग से आपको टैग मिला है वो कौन सा सॉन्ग आपने? वो मैंने नेहा कक्कड़ जी का जिनके लिए गुनगुना दी, जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं। जिनके लिए हम रोते हैं वो किसी और की बाहों में सोते हैं, जिनके लिए हम रोते हैं वो किसी और की बाहों में सोते हैं, हम गलियों में भटकते फिरते हैं वो समंदर किनारों पे होते हैं, जिनके लिए हम रोते हैं वो किसी और की बाहों में सोते हैं। रितिका, क्या कहना चाहोगे जिन बच्चों को पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिल पाता? मैं यही कहना चाहती हूँ उन बच्चों को भी और उनके पेरेंट्स को भी, अगर आपके बच्चे में टैलेंट है तो उसको कभी भी छुपाओ मत। अगर आपके बच्चे में टैलेंट है तो आप उसको मोटिवेट करो कि तू भी एक प्लेटफॉर्म पे पहुंच सकता है, और आप अपने बच्चे को सपोर्ट करोगे तो वो एक जम्मू में क्या, वो बाहर भी अपना एक प्रोफेशनली नाम बना सकता है। बहुत बढ़िया मैसेज आपने दिया। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे व्यूअर्स के लिए एक सॉन्ग डेडिकेट कर दीजिए। हूँ मैनू पता मोहब्बत हूँ तू मैनू नहीं कर दे, हूँ मैनू पता मोहब्बत हूँ तू मैनू नहीं कर दे, हूँ इंतजार करांगी तेरा तू पावे आना नहीं, वे मैं तेरे पीछे आ रहा ऐनी पागल हाँ, वे मैं तेरे पीछे आ रहा ऐनी पागल हाँ, के पागल भी कोई इन्ना पागल होना नहीं, मैं तेरे पीछे आ रहा ऐनी पागल हाँ। बहुत बढ़िया। आज के हमारे टैलेंट की सीरीज में हमारे साथ रितिका मेहरा जुड़ी थी और अपना इन्होंने एक्सपीरियंस बताया कि किस तरह से रहा और अपना फ्यूचर ये सिंगिंग की ओर ही देखते हैं। इनके साथ हमारी बेस्ट विशेज हैं और अगले हफ्ते हम आपको नई शख्स से रूबरू करवाएंगे, अगर टैलेंट से रूबरू करवाऊंगे। तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स, वीडियो जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।